हाय, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल कुमार, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग से होने वाली इनकम का, हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं और आपको आपके एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा कुछ इनकम होती है, तो उस इनकम को आप इनकम टैक्स इंडिया वेबसाइट पर जाकर ई फाइलिंग कैसे करेंगे और कौन सा आईटीआर भरेंगे, जो कि आप बड़ी ही सरलता पूर्वक उसे बिना किसी झंझट के भर सके। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ebay.com हो गया इत्यादि, तो ये जो कंपनियां हैं, आप इनके जो भी सामान का प्रचार करते हो, तो उस प्रचार के बदले अगर आपके उस प्रचार के जरिए कोई भी सामान उन कंपनियों से खरीदता है, तो वो कंपनियां जो होती हैं आपको कमीशन देती हैं, तो उसी कमीशन को हम इनकम टैक्स में कैसे दिखाएंगे। तो यह सभी प्रोसेस करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद आप गूगल के सर्च इंजन में टाइप कीजिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। यहाँ पर तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ आप लॉगिन हियर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे यूजर आईडी फिल कीजिए, तो जो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपका यूजर आईडी होगा। और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल कीजिए। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया हुआ है आप उसे फिल कीजिए। और आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन दिखेगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर व्यू फॉर्म। तो यहाँ पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप असेसमेंट ईयर चूज कीजिए। तो असेसमेंट ईयर जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को हम असेसमेंट ईयर 18-19 कहते हैं, जो कि अभी 1920 का, और जो 1890 फाइनेंशियल ईयर है उसका जो आईटीआर है वह 31 मार्च या अप्रैल में खुलेगा। तो यह तो हो गया फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। ओके, तो यहाँ पर आईटीआर फॉर्म। तो जैसा कि एफिलिएट मार्केटिंग से होने वाली इनकम के लिए हम सबसे सरल और सिंपल फॉर्म जो है आईटीआर, हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और फाइल टाइप, तो यहाँ पे ओरिजिनल, रिवाइज या तो फिर फाइलिंग अगेंस्ट नोटिस, तो हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे सबमिशन मोड, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पार्ट ए में जाएंगे। तो पार्ट ए में आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी सारी जानकारी है वह पहले से फिल हुई होगी। और यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी जो है आप उसे यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर में है तो वहाँ पे, अदर है तो अदर। तो हम यहाँ पे अदर पे करेंगे क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटर हैं। तो यहाँ हम अदर पे क्लिक करके और यहाँ पर जो भी रिटर्न फाइल सेक्शन है हम उसे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि अभी तो ड्यू डेट चला गया है इसका, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं ना, और ये फाइल टाइप ओरिजिनल। ओके, यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर फिर देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सैलरी, अलाउंसेस नॉट एग्जम्प्ट, वैल्यू ऑफ परक्यू साइट इत्यादि। तो जैसा कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम हुई है, यहाँ पे देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए,
कई लोग क्या करते हैं कि जो भी इनकम होती है वो यहाँ पे फील कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन फील करेगा? अगर आप एक वेतन धारक हो, आपको सैलरी मिलती है आपके एम्प्लॉयर से, तो यहाँ पर वही इंसान यहाँ पे जो इनकम है वो फील कर सकता है। अगर उसके अलावा आपका, तो जैसा कि ये फॉर्म, तो आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा दूसरी जानकारी बताकर, तो हम सीधे सीधे अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि यह इनकम आपको एफिलिएट मार्केटिंग से हुई है। तो हम क्या करेंगे उसे, यहाँ पर सैलरी में वो इनकम ना दिखा करके हम वो इनकम अदर इनकम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो B3 का ऑप्शन दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो हम यहाँ से मान लीजिए आपको 1.5 लाख की इनकम हुई है एफिलिएट मार्केटिंग से। ओके, अब इस पर क्या किया है, आपका जो भी एफिलिएट मार्केटर है, मीन्स आपका जिस कंपनी से आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया हुआ है, जो भी आपकी इनकम हुई है, तो उन्होंने अगर TDS काट रखा है आपका, तो देखा जाए तो अगर आपकी 1.5 लाख इनकम हुई है तो यह तो आपको नील है, यहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा, बट उन्होंने TDS काट रखा है। यहाँ पर मान लीजिए 1.5 लाख का जो भी 5% है वो यहाँ पे काट रखा है, तो जैसा कि ये जो अमाउंट है वो आपको रिफंड होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उसे रिफंड के लिए क्लेम कीजिए। तो हम यहाँ पर भी 7,500 रुपया फिल कर देंगे और फिल करके सेव कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी रिफंड अमाउंट है आपको 7,500 रुपया, जो भी कंपनी ने TDS काटा हुआ है वह आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको किस बैंक अकाउंट में वह पैसा रिफंड चाहिए, आप उस बैंक अकाउंट का IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे बड़े ही सावधानी पूर्वक फिल कर दीजिए। तो जैसा कि अगर आप IFSC कोड फिल करेंगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपके दो तीन बैंक है आपके पास, तो आप दो तीन बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपकी सारी जानकारी है आप उसे यहाँ पर अगर नहीं आई होगी तो फिल कर दीजिए, वैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पर आप इसे खुद फाइल कर रहे हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव से करवा रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ यहाँ पे जो भी आपका प्लेस है, आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह का जो मीन्स डिस्ट्रिक्ट या सिटी है उसका नाम यहाँ पे फिल करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके आपका ITR फाइल कर सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जो ये कमीशन इनकम होती है वह इनकम टैक्स की धारा 94H में आती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 94H पढ़ेंगे तो आपकी आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।